अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं उसके साथ साथ फ्री नॉलेज गेन करना चाहते हैं प्लस लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होना चाहते हैं तो आज ही हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लस उसके साथ बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो कल अगर बैंक निफ्टी में आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं और ऑप्शंस के थ्रू कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है याद रखेगा बहुत पावरफुल चीज आपको दिखाने वाला हूं अगर आपने कल इसको अप्लाई किया तो बैंक निफ्टी में जो पैसा बनेगा उसको आप याद रखेंगे चलिए शुरू करते हैं मैं आपको दो चार्ट दिखाऊंगा इन दोनों के बीच का कनेक्शन दिखाऊंगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि आपको क्या करना है किस प्राइस पे करना है क्या टारगेट होगा क्या स्टॉप लॉस होगा हर चीज़ इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो पहला चार्ट है दोस्तों आपके सामने बैंक निफ्टी का ब्यूटीफुल चार्ट बहुत क्लियर कट रेजिस्टेंस था रेड वाला बहुत क्लियर कट सपोर्ट था ग्रीन वाला आज के लिए बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस तो जरूर किया सस्टेन भी किया लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ डे आते आते फेल हो गया इसका मतलब हम क्या समझें इसका मतलब हम ये समझें कि ये है एक बस्टेड पैटर्न अब बस्टेड पैटर्न क्या होता है उसके लिए तो खैर पूरा कोर्स लग जाएगा बताने के लिए तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि बस्टेड पैटर्न क्या होते हैं एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर ये कल ग्रीन जोन को नीचे क्रॉस कर देता है नीचे ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या यहां कहीं ओपन होकर नीचे क्रॉस कर देता है तो आपके लिए एक जो पुट है उसमें बाइंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसमें आपका पैसा बनेगा हंड्रेड परसेंट तो पहले इस सिस्टम को पूरा समझ लेते हैं इसी चार्ट पे, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन के पे जाएंगे तो पहली चीज कि अगर ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और ये ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट फेल हुआ और बस्टेड पैटर्न बना तो व्हाट इज दी नेक्स्ट सिनेरियो विच इज गोइंग टू टेक प्लेस तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है तो नेक्स्ट आपके लिए वही वाला चार्ट आएगा जिसपे आपको वर्क करना है वो कौन सा है जैसे आपके पहले जो सपोर्ट्स लग रहे थे दैट यू नो सपोर्ट वॉज अराउंड दिस जोन अगर आप ये पूरा जोन देखेंगे तो so मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको ग्रीन करना पड़ेगा तो अगर आप ये पूरा जोन देखेंगे तो पहले बैंक निफ्टी ने जब एक रैली चल रही थी तो इसी सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करा था अब आने वाले टाइम में ये सपोर्ट क्या हो गया फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपके सपोर्ट्स होने वाले हैं हम आज बंद हुए हैं फोर्टी थ्री थाउजेंड एट सेवेंटी थ्री पे मतलब हम ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड मान लेते हैं नीचे साइड में आपकी जो रैली है वो फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड तक पेंडिंग है तो अगर कल ये ग्रीन जोन जो यहाँ पे छोटा वाला देख रहे हैं इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल ट्राई टू कैच अप दी जोन जो की ग्रीन जोन है जो इसका अल्टीमेट सपोर्ट है यहां तक आने की कोशिश करेगा तो इसको लेवल को आपको माइंड में रखना है अब इसी चीज को रिकनफर्म करने के लिए वॉट वी विल डू वी विल गो ऑन दी ऑप्शन चार्ट ऑप्शन चार्ट चलेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है तो ये ऑप्शन चार्ट है फोर्टी थ्री एट हंड्रेड पोर्ट ऑप्शन में यहाँ पे नोट कर देता हूँ फोर्टी थ्री एट हंड्रेड पोट ऑप्शन ये पुट ऑप्शन आपको क्या करना है इसका चार्ट देखना है फर्स्ट लेट मी डू इन वाइट कलर और फिर ये मैं फोर्टी पे कर देता हूँ सो नाउ दिस इज़ फोर्टी थ्री एट थाउजेंड का पुट ऑप्शन का चार्ट नाउ इफ यू विल सी दिस चार्ट तो आपको बहुत क्लियर कट वे में दिखेगा कि प्राइजेस नीचे जा रहे हैं फोर्टी थ्री एट हंड्रेड के लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन के चार्ट देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चार्ट आपको ऐसे डिक्लाइनिंग स्टेज में दिखेंगे क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होती है और डिक्लाइनिंग स्टेज इसलिए क्योंकि आप हमेशा कभी भी जितने भी ऑप्शन यू नो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में या जितने भी स्टॉक्स एक रेंज बाउंड सिचुएशन में या स्लोली स्लोली स्ट्रीटली ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आते हैं फिर स्लोली स्ट्रीटली ऊपर जाते हैं तो उनके चार्ट हमेशा आपको ऐसे ही बनते हुए दिखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपने देखा है इसमें जो आपके रेजिस्टेंसेज लग रहे हैं वो ऑलमोस्ट ये जोन पे लग रहे हैं लेट मी डू इट इन वाइट कलर तो ये जो जोन्स हैं ये आपके रेजिस्टेंस जोन है तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो रेजिस्टेंस जोन है क्या ये आने वाले टाइम में टच करेगा ऑलमोस्ट थ्री का तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और पॉसिबल कैसे है देखिए अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नेगेटिव है इफ़ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर लेकिन इसी स्ट्रक्चर नेगेटिविटी में एक जो सबसे अच्छी बात है वो तो ये है कि आपने यहाँ पे एक यू नो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया है जो आपका ये हाई लगा रहा है तो मैं पहले इसको वाइट कलर में कर देता हूँ एंड थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ राइट right? तो पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर ये आपका एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है और कल अगर फोर्टी थ्री एट हंड्रेड का पुट ये जो जोन है वन ट्वेंटी इसको क्रॉस कर देता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कल ही कल में हमें इसका जो टारगेट मिलेगा दैट वुड बी समवेयर ये जो पैटर्न है इसको मैं मिडिल जोन पे कर दूंगा तो हमें जो टारगेट मिलेगा वो इसका सबसे पहले कल के लिए मिलेगा वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर तो कल वन नाइन्टी फोर के लिए तो आपको बाय करना ही करना है लेकिन 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 अब यहां से जो मेजर पॉइंट आता है वो आपको समझना होगा 194 के बाद बैंक निफ्टी में क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस जोन बन रहा है आपको 194 के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के यूज करना है और डेफिनेटली इसको लेके जाना है आपको मिनिमम 300 के लेवल तक और 300 के लेवल पे ये आपको एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो इसका प्रीवियस मेजर हाई है तो थ्री के लेवल तक तो ऑब्वियसली हम बैंक निफ्टी का 43800 का पुट बाय कर सकते हैं कल अगर उसी ही ग्रीन जोन जो मैंने आपको ग्रीन जोन दिखाया अगर इसी ग्रीन जोन के नीचे रहता है छोटे वाले ग्रीन जोन के नीचे तो डेफिनेटली यहाँ पे 43800 300 तक जाने की कोशिश करेगा 43800 का जो पुट है वो 300 तक जाने की कोशिश करेगा और इसी चीज़ को आपको कैप्चर करना है कल कल के ट्रेड में क्योंकि पैटर्न जो है वो पैटर्न बना हुआ है बस्टेड पैटर्न ये पावरफुल पैटर्नस होते हैं जो डेफिनेटली अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हैं और यही कल आपके लिए नोट छापने का ट्रेड होने वाला है सो आई होप यू गॉट ऑल दी पॉइंट्स इफ यस देन प्लीज आप जाके हमें बताइएगा कल के दिन में कि अगर ग्रीन जोन के नीचे आया और आपने ट्रेड किया तो आपने कितने पैसे बनाए कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीन द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक